कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं और सबके सब 99% दलित हैं, वो जो डेथ हुई है। और इसके जिम्मेदार बिहार उत्तर प्रदेश सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। अब ये सदन में मौन तक नहीं रख पाए, अब आप हमको समझाइए ना। तो जब इतना बड़ा आयोजन था और कोई नया नहीं, इसके लिए जानकारियां भी पहले से थी कि आयोजन होना है, तो उसके लिए पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया, नेग्लिजेंसी बरती गई है। अब किसकी तरफ से नेग्लिजेंसी बरती गई है, इट इज मैटर ऑफ इंक्वायरी। बात 2 घंटा पहले ही हम लोग सदन में बार बार दे रहे थे कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं और सबके सब 99% दलित हैं, वो जो डेथ हुई है। और इसके जिम्मेदार बिहार उत्तर प्रदेश सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। अब ये सदन में मौन तक नहीं रख पाए, अब आप हमको समझाइए ना। निंदा प्रस्ताव के लिए इनके पास वक्त था और 130 आदमी डेथ कर गए, उसके लिए इनके पास मौन का व्रत नहीं था। तो ये कितना संवेदनशील है इसको समझिए। ना इन्होंने घोषणा किया कि उसको हम 20-20 लाख रुपया देंगे, तो ना आपने घोषणा की, आपने सीधा लास्ट में 2 घंटे के बाद, 2 घंटे से सदन को लोकसभा स्पीकर को दिया जा रहा था कि घटना घट चुकी है, लेकिन इतने मग्न थे नरेंद्र भाई मोदी जी के भाषण में कि इस मौत को इतने हल्के में लिया गया। तो इसीलिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ साथ इस मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक है और दिल को दहलाने वाली है। ये दुखद है। अब इस दुखद और ये भी सुना जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों मृतक हो गई है, ये भी सुना जा रहा है कि काफ़ी लोग इंजर्ड हैं। तो उम्मीद है कि जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और सरकार जो इंजर्ड हैं उनके जीवन की रक्षा के लिए बहुत अच्छे ढंग से उनका इलाज किया जाए, उनकी ज़िंदगी को बचाया जाए। और ये दुखद घटना है, इस दुखद घटना के लिए ओवरऑल तो सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों की ज़िंदगी बचाना, पीस और लॉ एंड ऑर्डर कायम करना। तो जब इतना बड़ा आयोजन था और कोई नया नहीं, इसके लिए जानकारियां भी पहले से थी कि आयोजन होना है, तो उसके लिए पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया, नेग्लिजेंसी बरती गई है। अब किसकी तरफ से नेग्लिजेंसी बरती गई है, इट इज मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड अनलेस अनटिल देयर शैल बी नो रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी हु शैल बी हेल्ड टू बी लाइबल फॉर दिस ग्रेट एक्सीडेंट या दुखद घटना के लिए, ये तो जांच के बाद आएगा।